बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फंड्स के बारे में आते ही सेतु मतलब एकदम अलर्ट हो जाता है। फंड्स के बारे में क्वेश्चन हाँ, आता है क्योंकि तब जेब खाली हो तो हम कुछ नहीं कर जेब सकते। खाली हो तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बात तो सही है। एक चीज आपको हमेशा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया में वेले लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए आपको हमेशा कोई ना कोई मिल जाता था बात करने के लिए। बट यहाँ पे सबको सबके काम होते हैं और उसमें कोई गलत चीज नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि तुम तो बढ़िया मजे ही कर रहे हो अरे कैनेडा में। हम बहुत मजे कर रहे हैं, आओ तो कभी हवेली पे। हाँ नहीं, हम हवेली पे तो आ जाएंगे, फिर हमें भी पता होना चाहिए कि वहाँ हवेली में हो क्या रहा है वहाँ कैनेडा में। बिल्कुल हाँ, सो नमस्कार सभी को। द ब्रिज मैन के सीजन 1 इंडिया टू कनाडा के पॉडकास्ट सीरीज में हम दूसरे एपिसोड पे पहुंच चुके हैं, जहां पे हम कंटिन्यूएशन में बात करेंगे। और हमारे साथ आज भी पिंकेश मारवाड़ी यहाँ पे उपलब्ध है। हाय पिंकेश, हेलो सेतु, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड, व्हाट अबाउट यू? एकदम बढ़िया है भाई, एकदम बढ़िया। यही, हम मातृभाषा पे ही आ जाते हैं वापस, तो अंग्रेजी को साइड पे रखेंगे। तो बात करते हैं पिंकेश, हम स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आ जाएंगे कि हमने पहले वाले एपिसोड में काफी सारा कंटेंट हमने कवर कर लिया था। अब मैं आपको ये पूछते हुए आगे लेके जाऊंगा कि दोस्तों को अगर आपको कहना है कि अगर उनके पास, चलो वक्त है कि 1-2 महीना, अगर उनको दिखता है कि सब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, 1-2 महीना अब उनके पास बचता है उनके डेट से, मतलब कोर्स शुरू होने वाले डेट से, तो सजेस्टेबल कौन से टाइम पीरियड तक उनको कनाडा में पहले पहुंच जाना चाहिए? देखिए, इसमें सिनेरियोस जो होंगे कि अगर आपके पास वीजा पहले आ गया तो ऑप्टिमल टाइम मेरे हिसाब से होगा 20 to 30 days पहले आपके कोर्स के स्टार्ट होने से। 20 से 30 days पहले अगर आप आ जाओगे तो आप अच्छे पोजीशन में रहोगे, बिकॉज यू विल हैव 20 days फॉर योर सेल्फ, जहाँ पे आप सब कुछ फिगर आउट कर सकते हो कि जॉब के एप्लीकेशंस के बारे में, आपके रहने का है, अगर आप कहीं टेम्पररी जगह पे रहने हो, जो 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 कि यहाँ पे बहुत ज्यादा होता है कि लोग टेम्पररी अकोमोडेशंस पे ज्यादा रहते हैं, तो आप अपने परमानेंट अकोमोडेशंस फाइंड आउट कर सकते हो, थोड़े नेटवर्क्स बना सकते हो, हेल्प ले सकते हो लोगों से कि यहाँ पर कुछ हेल्प आउट चाहिए, बिकॉज आप नए कंट्री में आते हो, आपके अंदर एक हमेशा एक कैसे बोलते, क्यूरियोसिटी रहती है हमेशा, थोड़ा सा डर, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी, थोड़ा एक मिक्स ऑफ नयापन। फीलिंग्स होती है कि मतलब नए नई हाँ नई जगह है, नया नया हाँ लोग, जी नए हाँ लोग जी, सब। हम राइट, सही है। इंडिया में एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो रहता है, आप तो पूरी कंट्री चेंज कर रहे हो, तो बहुत सारे एग्जैक्टली, क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे अनकंफर्टेबल सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है, कल्चर डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो अकोमोडेट हो सकते हो एक एरिया से आप। मेरा मानना है कि 20 से 30 days इज अ गुड टाइम, पर कितने लोगों को इमीडिएटली आना पड़ता है बिकॉज उनका कोर्स 2 week के बाद स्टार्ट हो रहा है, 1 week के बाद स्टार्ट हो रहा है, किसी का स्टार्ट हो चुका होता है और उसको फिर उसके बाद लैंड करना होता है, तो पर्सनली तो यही रहेगा कि 20-30 days। बट आप अगर फिर आ ही सकते हो तो फिर आप जब भी आओ तो उसमें इनिशियल में आपको थोड़ा मैनेज करना पड़ता है। व्हाट आर द नेसेसिटीज जस्ट पिंकेश, मतलब क्या वो नेसेसिटीज हैं कि आपको अगर आने से पहले, हाँ, इन चीजों के बारे में तो थोड़ी प्लानिंग करके आनी है? इनिशियली में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपना अकोमोडेशन फिक्स करके आओ, टेम्पररी हो या परमानेंट। आई वुड रिकमेंड कि आप परमानेंट अकोमोडेशन फाइंड आउट करो अपने लिए, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, थोड़ा सा कॉन्टैक्ट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के फ्रेंड्स, कोई बहुत ज्यादा दूर कोई फ्रेंड रहता है तो उसको टेक्स्ट करके हेल्प आउट करो, हेल्प आउट मांगो उससे, सॉरी। पर अकोमोडेशन बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बिकॉज आप होटल्स और एयरबीएनबीज बुक करके वेस्टेज ऑफ मनी है, दैट यू यू हैव टू सेव मनी व्हेन यू आर हियर, एस्पेशली व्हेन यू आर इनिशियली, इनिशियल डेज बहुत सेव करने की जरूरत है अपने आपको, बिकॉज एवरीथिंग कॉस्ट यू मनी, और इनिशियली में आपके जो एक्सपेंसेस है, खर्चे हैं, वो हमेशा स्टैटिक रहेंगे, क्योंकि आपको जो परमानेंट अकोमोडेशन में फर्स्ट एंड लास्ट मंथ का जो अकोमोडेशन है वो देना है, फिर आपको एक आप अपने आप सिम कार्ड खरीदने वाले हो, आपको शायद फोन खरीदना है, लैपटॉप खरीदना है,
आपको कुछ ना कुछ बाय करना पड़ेगा, शायद मैट्रेसेस बाय करनी पड़ेगी, बेड बाय करना पड़ेगा, कंफर्टर्स बाय करने पड़ेंगे, थोड़े कपड़े जो जैकेट्स है, तो बहुत सारे एक्सपेंसेस है। जैसे ही आप लैंड करते हो उसके बाद, तो आपको जो मेजर एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा नेसेसिटी है वो तो करने ही है, बट आपको अपने आप को सेव भी करना है कि आप फालतू खर्चों से या फिर जहाँ पे आप सेव कर सकते थे वहाँ पे आप सेव करो। वो माइंडसेट से अगर आप चलोगे तो यू विल बी बेटर ऑफ देन अ लॉट ऑफ अदर पीपल जो जिनके पास कोई डायरेक्शन नहीं है। मैंने कितने लोगों को देखा है जो दो दो तीन तीन महीने तक होटल्स में ही रहे बिकॉज उन्होंने अकोमोडेशंस नहीं फाइंड कर सकते। तो रीच वो तो आउट बहुत कीजिए। एक्सपेंसिव हो गया होगा। हाँ उनके लिए बहुत, मेरे लिए नहीं था, मैंने हाँ पर्सनली मतलब जिन एनकाउंटर जो भी किया था है। ऐसा। हाँ मैंने पर्सनली एनकाउंटर किया था ऐसा, पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है और इट इज़ नॉट वर्थ इट। यू कैन मेक दैट एक्स्ट्रा एफर्ट टू टेक समबडी अप और लुक समबडी अप एंड ट्राई टू बी लाइक कि यहाँ पर कोई अकोमोडेशन मिल सकता है, बिकॉज टेम्पररी अकोमोडेशन भी आपको हेल्प आउट करेगा। क्योंकि आप अगर एक बार टेम्पररी अकोमोडेशन में पहुँच गए तो आप अपने कॉलेजेस में, अपने खुद के कोर्स में, आप कॉलेजेस में आके अपने कम्युनिटीज से बात कर सकते हो कि गुजराती कम्युनिटी हो गई, साउथ इंडियन कम्युनिटी हो गई, पंजाबी कम्युनिटी हो गई, कोई भी कम्युनिटी के लोग आपको मिल जाएंगे और उनसे आप बात कर सकते हो कि मेरे पास अकोमोडेशन नहीं है, आपके पास जगह होंगे तो। और यहाँ पे जगह होती है, लोग ग्रुप्स ऑफ पीपल व्हेन दे आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर उनके एग्जैक्टली पास बहुत एक दो सारे जगह लोग कहीं आते पर जाते हैं। खाली हो ही मिल जाएगी, थोड़ा एफर्ट करना पड़ेगा, पर टेम्पररी अकोमोडेशन बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल आप आने के बाद 10-15 डेज कहाँ पर रहने वाले हो, या 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ। मेरा 3 मंथ का, मेरा नहीं पर्सनली, मैंने देखा था, मेरा मेरा तो मुझे पहले से ही मिल गया था, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि मेरे कॉन्टेक्ट्स थोड़े लग गए तो मुझे परमानेंट अकोमोडेशन जाते ही मिल गया। थोड़ा सोने के और ये सिचुएशंस में थोड़ा ऊपर नीचे रहता है, बट आई हैड अ होम व्हेन आई वॉज हियर, बट लोगों के पास ये ऑप्शन नहीं रहता। तो ट्राई टू गेट इन टच, और इंटरनेशनल सेंटर्स होते हैं कॉलेजेस में, उनसे आप अप्रोच कर सकते हो, वो आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट सेंटर्स हर कॉलेजेस में होते हैं जो अपने आपकी कम्युनिटीज में और आपके लोगों को आप वो मिलवा सकते हैं। वहाँ पर इंडियन रिप्रेजेंटेटिव्स बहुत सारे होते हैं, आप उनसे अपनी लैंग्वेज में बात करके उनसे आप सॉर्ट आउट कर सकते हो ये सारी चीज़ें। तो इट इज़ हेल्पफुल, बट यू हैव टू मेक दैट एफर्ट टू गो टू द कॉलेज, टू गो एंड फाइंड द अकोमोडेशन, टू पुट सम एक्शन बिहाइंड इट। तो ये सारी चीज़ें बहुत एसेंशियल है। सो एकोमोडेशन कम्स डाउन टू द वेरी प्रायर नेसेसिटी, जो पिंकेश के बातों से मुझे लग रहा है। तो प्लीज उन चीजों पे आप ध्यान रखिएगा और ये सारी चीजों को आप फॉलो कर सकते हो। हाँ जी, उसके अलावा और भी प्रोबाबली पिंकेश हम शायद अपने कनेक्ट या तो किसी और चीजों के थ्रू, अगर कभी किसी को अगर जरूरत पड़े तो हम तक आए तो हम उनको शायद हेल्प करने की भी कोशिश करें। बिल्कुल अपार्ट फ्रॉम दैट नेसेसिटी में कुछ और चीजें जो प्रायरली हमें लाइक इंडिया से ही लेके वहां आना है, ऐसी कोई नेसेसिटी में आती है चीजें? हाँ। मैंने इन अभी लेटेस्ट वर्जन्स में ये देखा है कि बहुत सारे इंडिया में लोग कैनेडियन सिम कार्ड्स लेकर आते हैं, जो टेम्पररी सिम कार्ड्स होते हैं, 1 महीने का वैलिडिटी होता है और उसका कुछ $20-30 चार्ज होता है, वो भी आपको यहाँ पे आके पे करना होता है। तो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल, दैट इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। एक मंथ का डमी कार्ड ही होता है वो, उसकी एक्सपायरी होती है 1 मंथ की, और वो उसका पे आपको यहाँ आके करना होता है, और वो ठीक है, स्टार्ट ही यहाँ पे कैनेडा में लैंड होने के बाद होता है। वो बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आजकल वो कंसल्टेंसीज के वहाँ पर भी, और नहीं तो आप जिसके साथ भी हो अपर टेम्पररी अकोमोडेशन में, आप उनसे, वो लोग आपकी हेल्प कर ही देंगे। बिकॉज नए लोगों को, जो पुराने लोग होते हैं वो इनिशियली में हेल्प करते हैं, ये करते हैं। मैंने एनकाउंटर किया है। और अगर आपको कुछ हेल्प आउट नहीं मिल रही है तो आप रीच आउट करना पड़ेगा किसी को, कि आप रीच आउट करके हेल्प करो कि यार मुझे एक फ़ोन कॉल सिम कार्ड लेना है, मुझे आइडिया नहीं है। तो वो आपको बोलेगा कि हाँ जी आपका स्टूडेंट स्टूडेंट परमिट है वो, आपका पासपोर्ट है वो, ये मेन दो डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, और आपका जो क्रेडिट कार्ड मिलेगा आपको या फिर डेबिट कार्ड जो भी है आप वो लेकर जाइए। और आपको कोई भी मॉल में या वहाँ पर थर्ड पार्टीज डिस्ट्रीब्यूटर्स बहुत सारे होते हैं, वहाँ से आपको इजीली अच्छा प्लान मिल जाएगा। और रही बात वही, जो लोग लैपटॉप लेना चाहते हैं, आईफोन लेना चाहते हैं नए, कोई भी दूसरे फोन लेना चाहते हैं नए, वो लोग भी वो आपको अच्छी तरीके से सारा एक्सप्लेन करते हैं। आई पर्सनली डोंट सजेस्ट इट कि आते ही नया फोन मत ले लो, अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो डोंट इन्वेस्ट इन दैट काइंड ऑफ थिंग्स। थोड़ा वेट करो, अपना फोन थोड़ा यूज अप करो, थोड़ी इनकम बढ़ाओ और फिर नया फोन लो, सो इट विल नॉट हर्ट योर पॉकेट।
एग्जैक्टली तो वो पिंकेश, आपने जब अभी फंड की बात की ही है, तो मतलब आपके हिसाब से वहाँ इनिशियल डेज में और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए फंड मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस कितना है, और मतलब किस तरीके से आप अपने फंड को लाइक सेग्रीगेट कर सकते हो, क्या क्या राय है आपकी? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। फंड्स के बारे में आते ही सेतु मतलब एकदम अलर्ट हो जाता है। फंड्स के बारे में क्वेश्चन हाँ, आता है क्योंकि तब जेब खाली हो तो हम कुछ नहीं कर जेब सकते। खाली हो तो कुछ नहीं हो सकता। नहीं, बात तो सही है। जैसे ही आते हो, आपका बैंक अकाउंट ओपन होता है, तो आपको वो GIC में से $2,000 आपके अकाउंट में आते हैं। तो दैट इज फॉर योर पर्सनल इनिशियल एक्सपेंसेस। आई वुड सजेस्ट, मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि $1,000 to $1,500 कैश अपने हैंड्स में होने ही चाहिए जैसे ही आप आओ तब। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है। ये मैंने खुद किया था और मेरे पेरेंट्स ने मुझे इतना अलॉट किया था। बट नॉट एवरी वन इज दैट फॉर्चुनेट इनफ। आई नो कि बहुत सारे लोग मे बी 200, 300, $500 लेकर आते हैं। नथिंग रॉन्ग इन दैट, बट जब आपके पास फंड्स की कमी हो तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप उसको अच्छी तरीके से यूज करो। यू डोंट वेस्ट इट, यू डोंट स्पेंड इट वेर इट्स नॉट सपोज टू बी। तो ये सारी चीज़ों में आप हेल्प आउट करो। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि ये मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आस्क एटलीस्ट 5 पीपल बिफोर यू स्पेंड समथिंग बिग। सो अगर आप कुछ भी स्पेंड कर रहे हो तो 5 लोगों से पूछ लो, और फिर और अपना खुद का भी पॉइंट रखो कि अगर वो नेसेसिटी है तो फिर करो। जैसे कि बेड और मैट्रेसेस लेनी है तो फिर लेनी ही है, तो उसमें फिर ऐसा मत करो कि नहीं चला लेंगे हम, सो जाएंगे नीचे। अगर इफ इट्स अ सही बात। नेसेसिटी देन बाय इट। एंड नहीं वन मतलब मोर थिंग, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि और एक और चीज है, आपने बड़ी चीज की बात की, मैं तो छोटी चीजों पे भी, क्योंकि मुझे नहीं पता होता कि कोई और स्टेट पे जाने के बाद टमाटर के भी भाव क्या है वहां पे, और मतलब छोटी से छोटी चीजों का भी हमें कुछ पता ही नहीं है। लाइक अभी मैं अगर कनाडा आऊंगा तो मुझे नहीं मालूम कि वहां बाल काटने का क्या भाव है, कुछ भी हो, तो हमारे साथ मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि धोखा भी हो जाए। तो इट्स ऑलवेज गुड कि आप किसी और से राय ले लो, पूछ लो पहले से जिनको पता है, राइट? और हमेशा कनेक्शंस बनाओ और नेटवर्क्स बनाओ अपने। इनिशियल फेज में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। मैं पर्सनली करीबन करीबन 4 सिटीज़ 5 सिटीज़ में रह चुका हूँ अब तक। तो मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मैं अपने कनेक्शंस बनाता हूँ अच्छे। तो आई हैव बीन इन लंडन ऑन्टारियो, आई हैव बीन इन किचनर केम्ब्रिज वाटरलू, एंड देन आई हैव बीन इन गोल्फ, और उसके बाद बेरी, और उसके बाद ब्रैम्पटन, और अब मैं टोरंटो में रहता हूँ। तो आई हैव बीन इन सो मैनी सिटीज। सो मैंने हमेशा ये ट्राई किया है कि मेरे नेटवर्क्स बढ़ाऊँ मैं वहाँ पर। हर जगह पर मैं ट्राई करता हूँ कि मैं वहीं पर स्टिक करूँ, एक जॉब मतलब जॉब पर तो नहीं पर अपने एक जगह पर स्टिक करूँ और वहाँ से नेटवर्क्स बढ़ाऊँ अपने। तो आई जस्ट नो सो मैनी पीपल ना, तो मुझे कोई भी रीच आउट करता है तो मैं ट्राई करता हूँ उनके हेल्प आउट करने के लिए। नॉट टू द एक्सटेंट कि मैं उनकी जाके खुद हेल्प करूँ, बट हाँ मैं उनको कॉन्टेक्ट प्रोवाइड करता हूँ। मैं उनको कितने फ्रेंड्स को मैं खुद ही कुछ ना कुछ कभी ना कहीं कुछ लोनलीनेस फील हो गया, ये हो गया, वो हो गया, कुछ भी हुआ, हेल्प आउट हुआ तो मेरे फोन पे उनसे बात कर लेता हूँ और अपनी फ्रेंडशिप्स मेंटेन करता हूँ। वो बहुत ज्यादा नो, हेल्प दैट आउट इज करते वेरी हैं। ट्रू, दैट इज वेरी ट्रू, बिकॉज नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस लोगों को पता होनी चाहिए, एंड दैट टू स्पेसिफिकली जब आप किसी और कंट्री जहां आप किसी को जानते नहीं हो वहां पे, तो नेटवर्किंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इट्स ऑलवेज सजेस्टेबल ऑल ऑफ यू कि अगर आप लोग जा रहे हो कैनेडा, तो पॉसिबली अच्छे लोगों के साथ जितना हो सके उतने कनेक्शंस बनाने की कोशिश करो अलग अलग जगहों से, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो अपार्ट फ्रॉम दिस पिंकेश, मतलब आप कैसे डिफाइन करोगे आपके इनिशियल डेज ऑफ हसल जो होती है कैनेडा की, जो लाइफ आप आ गए हो, आपकी अभी कॉलेज शुरू होने वाली है या तो शायद शुरू हो चुकी है, क्या है वो इनिशियल फेज जो आप फेस मतलब देख सकते हो, और वो हसल क्या है? हाँ, इनिशियल फेज बहुत इंटरेस्टिंग रहा था। जब मैं लुक बैक करता हूँ अब, तब मुझे बहुत लगा हार्ड है, बट इतना हार्ड था नहीं। उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस भी फेस किए, पर ठीक है, मतलब इट वाज अ इंटरेस्टिंग फेज आई मस्ट से। पर वन ऑफ द थिंग्स आई वाज गुड एट वाज गेटिंग आउट ऑफ माय हाउस एंड डूइंग थिंग्स। सो मतलब इनिशियल फेज में जब मैं यहाँ पर लैंड हुआ था, तब मेरे सिटीज में जॉब के लिए बहुत ज़्यादा वो था, मतलब स्ट्रैंडेड था, मिल ही नहीं रही थी जॉब। सो आई यूज टू गो आउट एवरी डे एंड पुट आउट रेज्यूमेज, ऑनलाइन एप्लीकेशंस बहुत सारी जगह पे, जहाँ पे मिल जाए वहाँ पे। हमेशा मेरे बैग में मैं 15-20 रेज्यूमेज रखता था। तो मैं कहीं कॉफ़ी पीने भी जाता था या फिर कहीं पे भी खाना खाने जाता था, वहाँ पे मैं अपने रेज्यूमेज ड्रॉप करके आता था। तो मैंने ये चीज़ में बहुत ध्यान रखा था। मैं और मेरे 2-3 फ्रेंड्स से हम लोग यही करते थे पूरा दिन। हम लोग पूरे पूरे जब भी फ्री मिल जाए टाइम, 2-3 घंटे मिल जाते थे,
तो हम लोग घर से बाहर जाके जॉब के रेज्यूमेज और ये सब, तो हमें टाइम लगा बट हमें 1-1.5 महीने में हमको जॉब मिल गई थी। अभी शायद उतना हार्ड नहीं होगा बट मिल जाएगी, आप अगर हसल करने वाले हो तो आपको मिल जाएगी जॉब, अवेलेबल है, बस आपको रीच आउट करना पड़ता है, थोड़ा ट्रैवल करना पड़ेगा ज्यादा। बट इट इज ऑलवेज गुड टू हैव अ जॉब रैदर टू नॉट हैव अ जॉब। अगर आपके पास जॉब होगी, आपको थोड़ा ज्यादा ट्रैवल करना पड़ रहा है, तो जॉब ले लो। ऑफकोर्स सिक्योरिटी कंसर्न्स तो होंगे कि ज्यादा लेट नाइट्स प्रेफरेबल नहीं है, बट एट द सेम टाइम इट इज गुड टू हैव अ जॉब देन टू नॉट हैव अ जॉब, बिकॉज एक बार इनकम स्टार्ट हो गए ना, देन यू हैव अ लिटिल बिट ऑफ फ्रीडम टू स्पेंड द मनी, टू गो हियर, टू गो समवेयर, बिकॉज हर किसी को कुछ ना कुछ घूमना तो है ही। कैनेडा आके हम सिर्फ ना सिर्फ पढ़ाई तो करने वाले हैं नहीं, हमको भी थोड़ा बाहर घूमने जाने का मन नहीं, होता दैट है, कुछ इज खर्चा वेरी ट्रू। करना है। जहां तक मुझे लगता है कि पहला जो एक हसल बहुत सारे लोगों को शायद डिप्रेशन भी हो जाता है, मैंने बहुत सारों से सुना है कि उनको जॉब नहीं मिल रही है कहीं ना कहीं से, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम कहीं अगर दूसरा नहीं आता है तो वो पेरेंट्स के ऊपर भी वो प्रेशर आ जाती है फिर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, एग्जैक्टली मैंने बहुत तो ज्यादा ये, हाँ मैंने बहुत ज्यादा ये देखा है, लोग डिप्रेस होते हैं, हार्श रियलिटी है कनाडा की, और बाकी सब कंट्रीज में भी आई एम प्रिटी श्योर होता होगा कि लोनलीनेस फील होता है, बिकॉज हम इंडियन फैमिलीज, हम लोग अराउंड फैमिलीज ग्रो अप होते हैं, अराउंड रिलेटिव्स, अराउंड बंच ऑफ पीपल अराउंड अस ऑल द टाइम, बट यहाँ पे वो नहीं मिलता है, तो देर इज सो मेनी टाइम्स देर इज नोबडी टॉक अराउंड टू टॉक टू, और हैंग आउट नहीं करने का मन करता, मन क्या करता, कोई होता ही नहीं है हैंग आउट करने के लिए, यू आर बाई योर सेल्फ सो मेनी टाइम्स, बिकॉज असाइनमेंट्स करने होते हैं, जॉब करनी होती है, कॉलेज जाना होता है, सो यू प्रिटी मच बाई योर सेल्फ सो मेनी, सो मच ऑफ द टाइम यू स्पेंड, तो वो एक हार्श रियलिटी है, उसको फेस करना आना चाहिए। आई पर्सनली हैव नॉट सफर्ड फ्रॉम एनी काइंड ऑफ डिप्रेशन और लोनलीनेस एवर, बट अ वेरी फ्यू कंपेनियंस ऑफ माइंड हैव, सो आई हैव सीन इट वेरी वेरी क्लोजली एंड आई एम वेरी पैशनेट टू टॉक अबाउट इट, तो गोइंग फॉरवर्ड वी आर प्रिटी श्योर वील मेक अ बंच ऑफ वीडियोज ऑन इट एंड हेल्प पीपल टू गेट रीच आउट एंड वी कैन ऑब्वियसली हेल्प देम, और इन एनी वे इफ वी कैन हेल्प देम दैट विल बी लाइक अ ब्लेसिंग, सो दैट इज समथिंग आई एम वेरी पैशनेट अबाउट एंड आई एम प्रिटी श्योर सेतु विल ज्वाइन हैंड्स एंड विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बट या नो दिस इज वन नो ऑफ नो दोज टॉपिक्स रियली, हम एंड ऐसा कुछ तो करेंगे ही, एंड वी हैव टू डू दैट। एंड पिंकेश, एक वार्निंग बेल आ चुका है हमारे लिए, क्योंकि द हाँ जी, हाँ लास्ट जी, टू हाँ मिनट्स जी, वाज ऑलरेडी बहुत बिल्कुल बड़ा। ठीक है, वी विल वाइंड अप, वी विल थैंक यू मनीष बताने के लिए। सो वी विल वाइंड अप दिस इन अ वेरी फ्यू मोमेंट्स, तो हम इसको खत्म करेंगे। लेकिन पिंकेश, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि वहां पे जो ये लोनलीनेस वाली आपने बात की, वहां पे डिप्रेशन वाली जो आपने बात की, जो लोग होते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपकी जो नेटवर्क, आपके फ्रेंड्स बहुत ज्यादा काम आते होंगे उस टाइम पे। सो हाउ हार्ड इज इट टू फाइंड लाइक माइंडेड पीपल इन कैनेडा? क्या आपको ऐसा कुछ फेस हुआ था, या मतलब जनरली कैसा होता है फ्रेंडशिप जो मिलनी चाहिए, जैसे आप हमने इंडिया में बहुत अच्छा देखा था, कनाडा में हाउ इज इट? एक चीज आपको हमेशा एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि इंडिया में वेले लोग बहुत ज्यादा थे, इसलिए आपको हमेशा कोई ना कोई मिल जाता था बात करने के लिए, बट यहाँ पे सबको सबके काम होते हैं और उसमें कोई गलत चीज नहीं है, इट इज नॉट, नथिंग इज रॉन्ग इन बीइंग बिजी, सो अगर कोई फ्रेंड बिजी है तो उसको पर्सनली मत ले लो कि वो मुझे टाइम नहीं दे रहा, बिकॉज आपका, आप भी कभी ना कभी बिजी हो जाओगे और आप किसी के लिए अवेलेबल नहीं हो, सो इट इज नथिंग रॉन्ग और लाइक एक्सट्रीमली राइट, बट यू हैव टू फाइंड द बैलेंस कि आपको अपना मेंटल पीस भी बहुत ज्यादा, मेंटल हेल्थ बहुत उस पर फोकस करना पड़ेगा कि आप अपने आप को टाइम दे रहे हो, यू आर रिविजिटिंग योर मेंटल हेल्थ रेगुलरली के नहीं भाई सब बढ़िया है, एम आई फीलिंग टू डिप्रेस्ड, एम आई फीलिंग टू लोनली, वो हमेशा चेक करना पड़ेगा, दैट इज माई सजेशन। मेडिटेशन दैट हेल्प्स अ लॉट, बट दैट इज समथिंग यू हैव टू डिवोट अ लॉट ऑफ टाइम इन, नॉट इवन अ लॉट ऑफ टाइम, बट यू हैव टू डिवोट कंसिस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम एवरी डे, तो शायद वो पॉसिबल नहीं है, बट हेल्प वॉक्स पर जाओ, लाइक डू समथिंग फन, डू समथिंग दैट इज योर हॉबी, दैट मेक्स यू हैप्पी, डू समथिंग लाइक दैट, बिकॉज बिजी लाइफ बहुत ज्यादा है यहाँ पर इनिशियल डेज में, बिकॉज यू आर स्ट्रगलिंग बिटवीन, नॉट स्ट्रगलिंग बट यू आर हैंडलिंग बिटवीन पार्ट टाइम जॉब्स, कॉलेज असाइनमेंट्स, स्लीप एंड वॉट नॉट, लाइक फाइनेंसिस एंड एवरीथिंग इज ऑन यू, सो इट इज अ एडवेंचर एज वेल, बट इट्स हार्ड एज वेल, आई एम नॉट गोना से इट्स ईजी, बट इट्स एन एडवेंचर, सो एन्जॉय इट, और उसको एन्जॉय करो, ऊपर नीचे तो होना ही चाहिए, ऐसा स्टैटिक लाइफ रहेगी तो मजा नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे तो होना ही चाहिए, तो दैट इज वॉट आई थिंक, उसको एन्जॉय करो, और बहुत ज्यादा सीरियस होने का मतलब नहीं है, सीरियस सही टाइम पर हो जाओ,
जब एग्जाम्स आ रहे हैं, असाइनमेंट्स है, जॉब है, सीरियस हो रहा हूँ, बट इतना भी ज्यादा सीरियस मत हो जाओ कि फिर सब कुछ ही बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल हो जाओ। तो दैट इज वन ऑफ माई सजेशन, और इस पे हम ऑफ कोर्स आगे बात कर सकते हैं, और कुछ श्योर और कोई श्योर टॉपिक्स श्योर हो तो हम आप इन बिल्कुल चीज़ों पे तो बताइए। ज़रूर हम आगे बात करने ही वाले हैं, और जिस हिसाब से आप हमें बता रहे हो एन्जॉयमेंट और सारी चीज़ों को लेकर, मुझे तो लग रहा है कि तुम तो बढ़िया मज़े ही कर रहे हो अरे कैनेडा हम बहुत मजे कर रहे हैं, आओ तो कभी हवेली पे। नहीं हम हवेली पे तो आ जाएंगे, फिर हमें भी पता होना चाहिए कि वहाँ हवेली में हो क्या रहा है वहाँ कैनेडा में। ये तो श्योर है कि पिंकेश के वहाँ पे, पता नहीं पिंकेश कैसा है, मतलब वहाँ पे अपना रिलेशनशिप स्टेटस वगैरह तुम्हारा कुछ बढ़ गया है, सिंगल हो अभी भी, ऐसा तो हो अभी नहीं हम सकता। सिंगल हैं, राइट नाउ वी आर सिंगल, बट क्या जानना है वो बताओ तो बात करें उसके नहीं नहीं आगे। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये जान के ही बहुत बड़ी मतलब ताज्जुब की बात है कि तुम अभी भी कह रहे हो कि तुम सिंगल हो, जो कि मैं बिल्कुल भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूं, बट अरे ठीक है, नहीं फिर हम भी जो सिंगल ही लोग शायद अभी हैं। आप कुछ लोग हैं जो शायद आपको भी सुन रहे हो, और उनको अगर आप पे इंटरेस्ट आ जाएगा तो पता नहीं कहीं ना नहीं कहीं नहीं ऐसा पॉडकास्ट के बिल्कुल थ्रू मत आपकी कीजिएगा जिंदगी बन प्लीज, जाए ऐसा नहीं, से तो ऐसा तो चढ़ा मत ज्यादा है, कुछ भी मत बोला कर। सो फाइनली गाइस थैंक यू सो मच, हम इसको इस एपिसोड को और ज्यादा नहीं करेंगे लंबा, आने वाले एपिसोड्स के साथ हम और ज्यादा कंटेंट आपके पास पहुंचाने वाले हैं इंडिया टू कनाडा के सीरीज में, और आपको अगर ये अच्छा लग रहा है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहा है तो आप कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर बता सकते हैं, और जितने भी हेल्प्स और जितना भी हम आपके लिए कर सकते हैं आप हमें बता सकते हैं, तो हम उन चीजों के ऊपर हम आपके लिए कॉन्टेंट्स प्रोवाइड कर सकते हाँ हैं। जी तो बिल्कुल, आपको लाइक करना है, शेयर करना है उन लोगों को जिनके वो इन वीडियोस की सबसे ज्यादा सख्त जरूरत है, क्योंकि पिंकेश मैं और आने वाले कुछ हमारे साथ गेस्ट, हम सब आपके लिए यहाँ पे आए हैं ताकि आपका इंडिया टू कनाडा और कनाडा में आने के बाद का सफर काफी ज्यादा आसान हो सके। तो आप शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। थैंक यू सो मच वंस अगेन व्यूवर्स के थैंक यू। आज जस्ट हमारे साथ आए। वन मोर थिंग, जस्ट वन मोर थिंग, ये वीडियोस व्यूअर्स के लिए, ये हमारे लिए वीडियोस नहीं है, हम शायद डिस्कस कर रहे हैं, बट एंड ऑफ द डे ये टॉपिक आपके लिए है, आपको लिए, आपके बेनिफिट के लिए है ये वीडियो। हम लोग सिर्फ डिस्कस करके कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं ये, पर ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। तो आप अगर चाहे तो आप हम उस टॉपिक्स पर भी बहुत ज़्यादा बात कर सकते हैं, और जैसे कि मैंने पहले बताया, अगर मैं नहीं प्रोवाइड कर सकता इन्फॉर्मेशन तो आई विल मेक श्योर आई ब्रिंग समवन जो मुझे बहुत ज़्यादा और आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे सकता है। तो विल बी वेरी ओपन फॉर दैट, सो आई गेस सेतु कैन रैप दैट अप आफ्टर दैट। राइट, दैट इज अप्रिशिएटेबल, और बहुत ज़्यादा सही है कि अगर आपके पास कुछ स्पेसिफिक डाउट्स है, आप चाहते हैं कि हम आपको वो इस कंटेंट के थ्रू प्रोवाइड करें, तो हम नहीं तो हम किसी और के थ्रू भी अगर आपको जितना हो सके उतना एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। आप अपनी सारी चीज़ें कॉमेंट बॉक्स पर लिख सकते हो, आप हमें सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर सकते हो ताकि हम बेहतर वैल्यू आपको प्रोवाइड करें। सो थैंक यू सो मच, वी विल रैप अप विद दिस वीडियो एंड विल सी इन आर थर्ड एपिसोड। थैंक यू सो मच, बाय बाय।